उसके घर के पास में तीन बच्चे बता रही है ये ना, और एक को पकड़ा तो वो लेके आई है जल्दी जल्दी, लेकिन बाकी दो और है बोल रही है ना। उनको नहीं खाया है इसको ही बस। कैसे छुड़ाया तुमने? मैंने स्टिक ली थी हाथ में। रो मत, कोई बात नहीं, ठीक है हम लोग देख लेंगे ना। थैंक यू। ये हमारे हॉस्पिटल जो बन रहा है ना उसके पास में ही रहते हैं। इन्होंने हमसे एक डॉग भी अडॉप्ट किया था, वो बच्ची के फैमिली मेम्बर्स ने, और उनके घर के पास ये दो तीन डॉग बच्चे हैं बता रही है वो, कि माँ नहीं है उसके अकॉर्डिंग, और इसको किसी कुत्ते ने पकड़ा तो उसने छुड़ाया ना जैसे तैसे, और अच्छी डीप बाइट है यहाँ पे ना पीछे। ओहो तो बहुत गहरी है। लेके तो आए हैं तो, लेकिन बचा नहीं, बच नहीं पाए। साहिल भाई आपने गाने क्यों लगा रखे हैं? ये गाने क्यों लगा रखे हैं आपने? ये चाचा ने लगाए। चाचा क्यों लगा रखे गाने? गाने सुन के बैल जो आराम से ट्रीटमेंट करा लेते हैं, और वो गुस्सा हो गया तो? गुस्सा हो गया तो गाना चेंज कर देंगे। गुस्सा हो गया तो गाना चेंज कर देंगे। ओके फिर यो यो हनी सिंह लगाएंगे। इसके बाद हमें आपको एक बड़ी अच्छी न्यूज देनी है, पर उससे पहले मैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो हमें अक्सर आप लोगों से मिलता है कि भाई आपको ये बहुत पसंद है, हम अपने वीडियोस में आपसे पैसे नहीं मांगते, पर ये कॉम्प्लीमेंट आपको मिलना चाहिए क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट है जिसकी वजह से हमें पैसे नहीं मांगने पड़ते, फिर वो चाहे आप इंडिविजुअली डोनेट कर रहे हो या यूट्यूब फेसबुक या पेटीएम मेंबरशिप के माध्यम से। अच्छा एक चीज और है जिसमें आप बिना पैसे दिए भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, वो है वीडियो लाइक करके आप हमारी रीच बढ़ा सकते हैं, और कमेंट्स में बताइएगा कि आप किन किन माध्यम से हमें सपोर्ट करते हैं। बारिश चलना नहीं जा रही है ना, अभी चलना की बात में बोले। देख तेरी वीडियो बन रही है विदाई की। बारिश को अडॉप्ट करने आए हो? हाँ बारिश, हेलो नहीं हेलो, हाँ अच्छी बच्ची मसाज कर दो इसके। बिल्कुल मालकिन बनने जा रही है। चल पर अभी चल पर। यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा अपना जॉइंट फैमिली है। बढ़िया है और अच्छी बात है। ये मंगवा ली हुआ है मैंने ना, मतलब मंगा ली हुआ है, यहाँ जैसे रूम बनाएंगे इसको। चले बारिश। अरे ओए नहीं इसको नहीं उतरना बच्चे। चल भाई बारिश नया घर आ गया तेरा, घूमने जाएंगे। उतरो। हेलो हाय। थोड़ा ये गेट पे और देख रही है सबको। क्या लग क्या बोल रही थी? जो बच्ची है ना वो थोड़ी देर पहले एक पपी लेकर आए थे जिसको डॉग बाइट था, इसने बचाया था और पपी की डेथ हो गई ना लाई जब तक वो वहाँ पर। दो पपी और थे वो उन दोनों को अभी लेकर आ गई है। हुआ ये कि वहाँ पर डॉग्स और अटैक कर रहे हैं और ये पपीज रिलोकेटेड हैं, किसी ने आज ही शायद उनको ला। हमारे गांव के तो सारे फीमेल स्टरलाइज्ड हैं ना। हाँ जी उस बच्चे को क्या बोलूं, अब बच्चे को तो डिस्करेज नहीं कर सकते आगे से, तो पपीज रख लो फिर वो पीछे देख लेंगे हम कुछ करते हैं। हाँ तो यही करना पड़ेगा। इनको भी काटा है क्या? पक्का मां नहीं है ना बच्चे? तुमने इनको कुछ खिलाया है क्या? दूध खिलाया है तभी पेट फूला फूला है। बच्चों को दूध पिलाते हैं ना जब ये छोटे पपीज को, तो पानी बहुत सारा मिलाते हैं। ठीक है ओके। चलो 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 चलो। हाय दी तू इतने गुड बॉय को ऐसे कौन छोड़ दिया? इतने गुड बॉय को ऐसे कौन? अरे बाप रे गा जाएंगे।
ये पेट था किसी का? इस डॉग को पिछले 3-4 महीने से टीबीडी था, इसे सांस भी नहीं ली जा रही थी उस टाइम। खुद गया था ऑफर करने की हम हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने बोला हमारा पेट है, हम पालमपुर ले जाएंगे, तो नहीं लेके गए कभी। मैं इसको पालमपुर लेके जा रही हूँ, मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ उसके लिए, तुम मेडिसिन तो दो उसको। सिरप भी नहीं पिला रहे पिछली बार से, इस बार की रिपोर्ट और ज्यादा वर्स्ट है। मैं सब करने के लिए रेडी हूँ, मेडिसिन तो खिला दो यार कम से कम। आई नो बहुत हार्ड, आई नो। और कुछ नहीं चाहिए इन रिटर्न, कम से कम इसको ठीक तो कर दो यार। 3-4 महीने से पता है वहाँ पड़ा था। मैं इसको इंजेक्शन देने जाती हूँ, मेरे को क्वेश्चन करने लग पड़ते हैं कि आप ये कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको क्या लेना देना है, जब आप कर सकते थे आपने नहीं किया, मैं कर रही हूँ तो आप मेरे को मत उस चीज़ में वो करो। फिर मेंटली ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है ये, बहुत पर हो जाएगा ना। लोग ऐसे अगर पहले दिख रहा है तो एटलीस्ट बता दो, है ना, कुछ ये देखो ना इसकी स्थिति, और सबको पता ही है पहले से, 4 मंथ्स है लोगों को पता है, किसी ने कुछ नहीं बोला। मुझे आज तक ये केस के बारे में कॉल नहीं आई है ना। मैं जब इस काम से पक जाता हूँ ना, और मेरे ख्याल मेरे से नहीं हो रहा, तब मैं ये सोचता हूँ कि बाद में बताऊंगा, छोड़ो। गौरव तुम उस दिन केज के लिए नाराज हो गए थे क्या, कि मैंने कहा था केज गलत लेते, नाराज हो गए थे? नहीं सर, मुझे अच्छे से मुझे फील हुआ है कि अब लोहे का भी केज बनवाना है। भाई साहब कह रहे हैं कल बहुत कुछ हो गया। बहुत कुछ क्या हो गया? कल हमारे पास ये एक डॉग आया शाम को, जो कि पीछे से फॉस्टर कर रहे हैं, हम कोई ट्रीटमेंट देखा हुआ है ये तो, और ये वो था जो हम सुशील को लाने गए थे तब ये हमारे पास आया था ना। ऐसे राउंड सेल ट्यूमर है और वो क्या कर... राउंड सेल ट्यूमर ही होता है ना सर? क्या होता है राउंड सेल? हाँ, ट्रीटमेंट चल रही है लेकिन इन्फेक्शन जब तक क्लियर नहीं होता तब तक इसकी कीमोथेरेपी शुरू नहीं की जा सकती ना, और डॉग एनीमिक भी है तो सिर्फ बेसिक अभी उसका एंटीबायोटिक और सिरप। मैंने उसको वही बोला कि लवारिस का कजन लग रहा है, इसको खाने के 2 बोल दिए हैं आपने, जिसमें एक इसने खाया, इसने कुछ नहीं खाया, इसने सुबह नवीन ने बिना देखे डाल दिया होगा, लेकिन एक ने इसने पूंछ रखी हुई है, ऐसे थोड़ा न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब कर लेगा। मैं चाहती हूं आज के जॉब खिलाने का। सहेल भाई कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? इनको बाहर वाले कौशल के यहाँ पे शिफ्ट करें, जहाँ पे हमने राहिल वगैरह को छोड़ा हुआ था ना। मुर्गे तो नहीं मारेंगे ना सहेल भाई इनको? अभी मुर्गे मारेंगे, ये फिर बड़े हो जाएंगे, फिर मुर्गे को मारेंगे जैसे को तैसा। सहेल ये बेड डोनेशन में आया होगा? हाँ जी भाई, आया तो डोनेशन में ही है, तो स्पेशल पपीज के लिए ही होता है। हाँ पपी बैठेगा इसमें, देखो वाला कितनी सी जगह है। हाँ दोनों आ जाएंगे इसमें, अभी दिखाएंगे आपको। ये बच्चों यहाँ सोना रात को, ठीक है, खाना वानी दे देंगे, नहीं सो लेना, ठीक है, बस ये रास्ता है घूमना फिरना, बस ठीक है, गुड नाइट, स्लीप टाइट। स्लीप टाइट, मुझे लगता है साहिल की कोई सहेली बन गई है। झिलमिल को भी बाहर कर दो, कर दो, झिलमिल बाहर ही है ना, बाहर ही रहेगी, मैं सुबह वॉक पे ले गया था ना, अब बाहर ही रहेगी वो, लाइक झिलमिल इनकी आपस में दोस्ती कराने का ना। चलो 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 चलो, फाइनली हम वॉक से वापस आ रहे हैं एंड सबकी अच्छे से दोस्ती हो गई है, झिलमिल को अच्छे से वॉक करना आ गया, खड्ड में तो ये बिना लीश के भी घूम रही थी। स्पॉट वाज फाइन, सब कुछ ठीक था, बस वो शाम देखेंगे, मतलब एक आध दो बारी आई एम श्योर अभी झड़प होगी, उसको कोई ना कोई चोट लेगी, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो, पर इतना तो अब आई मीन बचपन में आपको भी पड़ी होगी कभी ना कभी, थोड़ा बड़े हो गए। आ जाओ ले लो बच्चे, चलो उठो, कम ऑन कम ऑन गुड बॉय, कम ऑन, आ जाओ थैंक यू। ये रेस्क्यूअर इस डॉग से काफी अटैच थी, और जब हमने उनको सुबह फोन करके खबर दी कि भाई इस डॉग के लिए हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसकी पोजीशन यहाँ पे खराब ही हो रही है, हद से अधम इसको पेन से बचाने के लिए यूथनाइज कर सकते हैं,
तो वो हमसे थोड़ा नाराज हो गई और इस डॉग को वापस ले गई। अब ये मैं समझ तो सकता हूँ, पर जब ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है ना कि भाई हम किसी डॉग को बचा नहीं पा रहे, हमसे कोई नाराज हो गया है, किसी को हमें मना करना पड़ रहा है, तो दिन के एंड तक मैं पक जाता हूँ और कई बार मुझे लगता है कि मुझे ये नहीं करना। फिर मैं अपने आपको दो चीजें याद दिला लेता हूँ कि भाई चाहे मेरा जीवन जितना भी मुश्किल हो रहा हो वो उतना मुश्किल नहीं है जितना उस जानवर का है जिसकी हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी टांग टूटी हुई है, जिसका पेट फटा हुआ है। और दूसरा ये कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो ऐसा क्या करूंगा जिसमें किसी की मदद हो। सर रवि भैया का फोन आया था अभी कि पास में जो मंदिर है ना वहाँ पर ना कोई डब्बे में पपी छोड़ कर गया है। एक ही पपी है, एक ही पपी लाना आपको पड़ेगा, हमारे गांव में कोई पपी छोड़ के आया है तो लाना पड़ेगा। मैं ले आती हूँ जाके। सर इस टाइप का सॉल्यूशन नहीं हमारे पास इसका, ऐसे तो सब छोड़ते चले जाएंगे। नहीं यार टू बी ऑनेस्ट नहीं है, एक स्टरलाइजेशन सोल्यूशन है। हमने आ रहे जो अपने गांव में फीमेल्स है सारी वो स्टरलाइज्ड हैं, आसपास वाले जो है वो स्टरलाइज कराते नहीं फीमेल और बच्चे इधर उधर करते रहते हैं, बल्कि उनको चाहिए कि स्टरलाइज करा दें। संजय भैया अलग लग रहे हैं। अलग नहीं लग रहे यंग बॉय। सुनो ना प्रधान साहब से पूछो ना कि अभी इनके ब्लॉक के सबकी मीटिंग होती है ना, उस मीटिंग में हम अनाउंस नहीं कर सकते कि भाई आप अपने गाँव में जो भी फीमेल डॉग्स हैं हम स्टरलाइज कर देंगे, है ना? एक आधिकारिक वे में चली जाएगी ना सूचना, तो थोड़ी बहुत बन जाएगी। ये डब्बा क्या पड़े थी? यही होगा और क्या, हमारे लिए गिफ्ट। ऐसे देखे क्या पपी हो कोई? यार टेप लगा है इसमें। ये एक नहीं है, पांच है। अंकल आपको पता है ये कौन छोड़ कर गया है? गाड़ी है ना, गाड़ी वाइट कलर की। वो लड़का यहाँ खड़ा बड़ी देर खड़ा रहा, इधर उधर देख रहा है, मैंने पता क्या कर रहा है। ये तो थोड़ी देर और ऐसे रहते तो ये धूप से मर जाते यार, सांस लेने सांस नहीं आती। एक दो नहीं है, कितने है? छह। हाँ वेट, इसमें पपी है? पपी है। तुमने कहा एक? मुझे एक ही बताया गया। ओरे ओरे ओर एक मेल या दो? एक मेल, पांच में से मेल, मेल की अडॉप्शन हो जाती है जल्दी। हम इन्हें यहाँ फार्म पे तो नहीं रख रहे, कोई ये बाहर कर दो, खाना दे दो, डीवर्म कर दो, एंड देन राम जी देखेंगे और क्या। हम अडॉप्शन ट्राई करेंगे। हाँ अडॉप्शन तो ट्राई करेंगे, यहाँ से गोरे गोरे हैं शायद हो जाए। पूछ कितनी सही है। कई देर खड़े हो के उन्होंने देखा इधर उधर इधर उधर, है ना, जो लोग इसको छोड़ कर गए हैं, और उसके बाद धीरे से डब्बा फेंक के चले गए। अच्छा किसी ने देखा है उन लोगों को शॉप पे? और तो किसी ने कुछ कहा भी नहीं होगा ना, यहाँ लोग कूड़ा इतना सड़कों पे फेंकते हैं, यार ये डब्बे का कूड़े का डब्बा फेंका उनको दे ले। लेकिन ये भी चीज है ना सर की कोई अगर ऐसे खड़ा है और बस इधर उधर देख रहा है ना, मतलब पता चल रहा है कि वो देख रहे हैं कि उनको कोई देख तो नहीं रहा है इस टाइप का। अरे हिमाचल है यहाँ कौन परवाह मारता है, दिल्ली होता तो लोगों को लगता है कोई बम ना छोड़ के जा रहा हो, पर ये तो हिमाचल में वहाँ तो पकड़ लेते, दिल्ली में तो पकड़ लेते, हिमाचल में तो शांत जगह है। पर जैसे यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रही है ना, जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट जिस तरह की करने की कोशिश की जा रही है, ये इसको भी दिल्ली बनाएंगे, इस जगह को भी। ये कैसे हो रहे हैं? शेक कर रहे हैं, मम्मी से अलग हो गए हैं, डरे हुए हैं। सीढ़ी तो नहीं हो ना, विक्की यहाँ पे खड़ा है, किसी को भी कोई डिस्चार्ज कर के मुझे दिख नहीं रहा है, कोई अनयूजुअल सलाइवा या। वैसे तुम्हें डर लगता है मेरी नाक खा जाएगा? नहीं अर रहा है, हमारे पास कैमरे पे है। ये दोनों पूरा इंस्पेक्शन कर रहे हैं इनका। लड़ रहा है इससे। कितना देख गुस्सा दिख रहा है इसको। निखिल भाई क्या खिला रहे हैं इनको? सेमोलेक। अच्छा पपी इसको यही दिया जाता बस। यार यहाँ पे बड़ा कुछ है, बाहर ये लोग हैं, अंदर राजा है। ए राजा थोड़ी हेल्प कराओगे? सर जिलमिल गए अंदर। जिलमिल का कुछ नहीं है, जिलमिल का चलेगा, तुम आ जाओ, मूली ना आए बस। कल तो तुम लोग सारे सर्जरीज में ही बिजी थे। कैसी गई सर्जरीज? किस किस की थी? वाईफाई की स्पे थी, उज्जैन स्पे थी, और ट्विस्ट की रीसुचरिंग थी। सुचर ओपन हो गए थे ना एम्पुटेशन वाले। उसके सुचर ओपन कैसे हो गए थे? सर खेलते खेलते उसने मतलब अंदर कैनल में खुद ही ओपन, ई कॉलर लगा हुआ था, फोन लगा उसका, वो उसके लिए सुचरिंग की द्वारा। तो जैसे डॉग्स की स्पे आपने कराई है तो उनकी आदत होती है ना सुचर वगैरह खोलते हैं, तो या तो आप ई कॉलर लगा सकते हो जो मिलता है बेड पे, या आप मोटा तौलिए को दो तीन बारी फोल्ड करके गले के आसपास लपेट के उसके ऊपर नाड़ा बांध सकते हो, उससे भी उनका सर
मुड़ता नहीं है। हे इसकी एक आंख सिम्बा। अच्छा ये आंख इसकी ऐसे ही रहेगी? नहीं निकालनी है संडे को। तो इसकी तो आईलेट्स फ्यूचर हो जाएंगी ना, अनलाइक बड़ी। मेरे को बड़ी का ये कहना था कि मैं देख रहा था कि हम उसकी पत्थर की आंख लगवा सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा था कि एनिमल्स की भी पत्थर की आंख लग जाती है, बस मेंटेनेंस रहती है कि निकाल के साफ करके दोबारा डालनी पड़ती है। आप एक बार डॉक्टर त्यागी से पूछेंगे। सर इसकी हड्डी बढ़ गई ना आपको लग रहा है? बड़ी नहीं है पर कम होना बंद हो गई है, और ये बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, इसकी हड्डियाँ निकल रही है सारी। ये एक्चुअली मैं इस बात को कैसे बोलूं कि गलत ना समझे, ये बहुत इसको रखना, हमें इसको ट्रीट करना बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है, ठीक है। करीब हमारे को 5,000 रुपये इसका हफ्ते का वो पड़ जाता है खर्चा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इसको सिर्फ मेंटेन कर रहा है, ये ठीक नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम हो रही है। मतलब इसके शरीर में जान नहीं बची, हम बस दवाइयाँ दे के इसको जिंदा रख रहे हैं, और हड्डी भी इसकी जान नहीं रही नीचे। तो देखते हैं। ओल्ड एज है? ओल्ड एज नहीं यार, बात यह है कि जो इसको ये जो कंडीशन है ना लंपी जॉ, उस कंडीशन की वजह से इसके लिए खाना चबाना बड़ा मुश्किल है ना। अरे मुझे नहीं समझ में आता, लोगों के घर के आसपास इतने बेसहारा जानवर हैं, वो उन्हें भगाते क्यों हैं? मतलब खाना दो, फ्री के कर्मा पॉइंट है। इसकी रिकवरी अच्छी हो रही है? हाँ बहुत अच्छी है। देखो देखो देखो, एक आध रोटी से इनका पेट थोड़ा भर रहा है, पर एटलीस्ट मन तो रह जाता है ना कि बाकियों को मिला। अब इन पक्षियों को मैंने जरा सी रोटी स्नैक के तौर पे दी है, जैसे हम जंक फूड कई बार खा लेते हैं, पर पक्षियों के लिए रोटी ब्रेड रस सही नहीं है, क्योंकि इससे इनका पेट भर जाता है लेकिन इन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो चिड़िया कबूतर के लिए बेस्ट है कि आप घर में बाजरा मक्की या मूंगफली रखें। और वैसे कोई भी ऐसा जानवर हो जिसके बारे में हमें कुछ ज्यादा पता नहीं है तो हमें एक बारी वेट से पूछ लेना चाहिए, पर वेट से पूछना क्योंकि हर बारी प्रैक्टिकल नहीं होता, तो उसको खाना देने से पहले एक बारी गूगल पे जरूर चेक कर लीजिए उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं।